आगे बढ़ेंगे और अब कर्नाटक चुनाव प्रचार की बात कर लेते हैं। चूंकि कर्नाटक में सभी पार्टियों ने जान झोंकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कल मेगा रोड शो प्रधानमंत्री के जरिए किया गया। 26 किलोमीटर का सफर इस रोड शो में तय किया गया। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार पर भरोसा रखिए। आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो का पार्ट 2 आज देखने को मिलेगा, जिसमें कि 10 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और जिस तरीके से आम लोगों का प्यार और विश्वास कल के रोड शो में नजर आया था, उसके बाद माना यह जा रहा है कि आज भी उसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। 10 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। कर्नाटक जहां पर 10 मई को मतदान का दिन है और उसके 3 दिन बाद यानी कि 13 मई को नतीजे सबके सामने होंगे, यानी कि कर्नाटक की जनता के बीच में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पहुंच रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज में कौन से कैंडिडेट पर भरोसा दिखाती हैं, कौन सी पार्टी पर भरोसा दिखाती है कर्नाटक की जनता, ये 13 मई को साफ हो जाएगा। चुनाव में बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अलग अलग जगह रोड शो और रैलियां हो रही हैं, संबोधन हो रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कमान संभाले हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ही दिन में 5-5, 6-6 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की है, संबोधन उनका रहा है और ये जो मेगा रोड शो है, माना यह जा रहा है कि इसमें भारी जन सैलाब जो उमड़ा है उसमें लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार मिलता हुआ बीजेपी के लिए नजर आया। बेंगलुरु से मधु शर्मा इसको लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ तैयारियां किस तरह की हैं आज के रोड शो को लेकर, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेज 2 ऑफ मेगा रोड शो जो है आज प्रारंभ होने जा रहा है। 9 बजे प्रारंभ होगा कैंपा गौड़ा जो स्टैचू है वहां से, जो लैंडमार्क है वहां से ये जो है रोड शो प्रारंभ होगा। यहां पे हम है अभी अलपुला जो लोकेशन है यहां पे हमारी, यहां पे एक्स सर्विसमैन जो है काफी सारे मौजूद है जो प्रधानमंत्री के यू नो अराइवल पे यहां पे इनका वेट कर रहे हैं और ये सारे लोग प्रधानमंत्री का यू नो वेलकम कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप प्राइम मिनिस्टर जी को वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे रोड शो के लिए, आप बताइए। सर, मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन यूए मोहन। हम ऐसा मोदी जी का हमारा जेएनके का 370 हटाने के लिए हम हटाना वो बहुत हम खुश हो गए था। बाकी कोई पक्ष के लिए हम नहीं करते हैं, मोदी जी के लिए हम इन्वाइट करने के लिए हम इधर एक पूरा इकट्ठा हुआ है। एक्सर्विसमैन सभी मतलब रिटायर्ड पर्सन इधर इकट्ठा हुआ है। सर, ये जो एक्स आर्मी मैन है सारे, तो क्या यहीं पे मौजूद है या सारे मतलब दूसरे जो पॉइंट है वहाँ पे मौजूद है, और आपका रेजिमेंट का कुछ डिटेल बताइए। सर, मैं जिस रिनवा से मेरा नाम है, ठीक है, आर्मी वाला इंडिया में पूरा हर जगह हर कोने में है, ठीक है, हर कोने में, उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले इकोनॉमिक मतलब 2013 उससे पीछे इकोनॉमिक क्या था, अभी क्या है, सिर्फ हम सैनिक है, देश के बारे में सोचते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी को वेलकम करने आए हो यहाँ पे? हाँ, यस सर। तो हमारे पास सीनियर भी मौजूद है यहाँ पे, गुमकार साहब जो है जो सीनियर है। सर, आप बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव आपने पहन रखा है, तो मोदी जी का मतलब कैसे आह्वान करो? अच्छा, मोदी साहब को इसी हम आह्वान करने के लिए आया है। मुख्य उद्देश्य है आर्टिकल 370, उसके बाद 330 आर्टिकल 30, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन जवान के लिए अरियर्स जो मिला है, अभी पहले किस्त मिला है, अभी दूसरा तीसरा चौथा किस्त मिलने वाला है। मोदी जी साहब आने के बाद फौजी लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मधु शर्मा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे। मधु शर्मा इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मधु, कल के रोड शो में भव्य तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी नजर आई और साथ ही साथ जो उत्सुकता थी वो लोगों की देखने लायक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए या फिर जो कॉन्टिन्यूस फूलों की बारिश हो रही थी वो तस्वीरें अद्भुत थी। आज की तस्वीरें क्या रहने वाली है? हालांकि रोड शो कल से छोटा रहेगा, 10 किलोमीटर भर का है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल 26 किलोमीटर का रोड शो हुआ था और आज जो रोड शो है जो 10 किलोमीटर का रहेगा, कैंपा गौड़ा की जो स्टैचू है बीईएमएल एरिया के पास, वहां पे हम अभी मौजूद हैं और देख सकते हैं बारिश हो रही है। यहां पे बैंगलोर में हल्की सी बारिश हो रही है, फिर भी हजारों की तादाद में लोग ऑलरेडी यहां पे मौजूद है और कई सारे लोग अभी आ रहे हैं रास्ते में। तो हम बात करते हैं कुछ लोगों से यहां पे और देखते हैं कि ये कितने उत्सुक है। मैम, आप कितना एक्साइटेड हो प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर?
तो पहली बार आ रहे हैं तो हम लोग काफी एक्साइटेड है सब कोई, तो वी हैव ऑल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग्स, सो वी कैन चीयर हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आवर पार्टी ऑल द बेस्ट। आप फूल वगैरह सब कुछ लेके आई है यहाँ पे स्वागत करने के लिए? हाँ जी सर, हमारा अपार्टमेंट है ये और हम सब इतने खुश हैं कि पहली बार एक प्रधानमंत्री कभी भी, ये तो हिस्ट्री का मोमेंट है, इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट जो हमारे बच्चे भी याद करेंगे, एक प्रधानमंत्री यहाँ हमारे यहाँ हमारे धरती पर यहाँ तिपसंद्रा में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी गौरव की बात कोई नहीं है। यहाँ पार्टी की नहीं, ये देश की हो रही है, देश के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से मिलने आ रहे हैं, इससे अच्छा ये तो त्योहार हो गया ना, नेशनल फेस्टिवल। मैम आप बताइए, आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? फूल वगैरह सब तैयारी करके आए हैं? सब यहीं के रेजिडेंस हैं, फूल सब लोग, हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं पर और भी इंतजार करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के प्यार मोदी जी। मधु किस वक्त नहीं, किस वक्त भी हम यहाँ से घुसेंगे जरा बताइए। बारिश आएगी क्या? मोदी जी आ रहे हैं, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है यहाँ। जय मोदी, जय भारत जी। देखिए जो टेंटेटिव टाइम था वो 8:30-9 बजे के आसपास दिया गया था, अभी जैसे हल्की बारिश हो रही है। हाँ। अभी कुछ सोर्सेस का कहना है कि 9:30 या 10:45 बजे के आसपास यहाँ पे प्रधानमंत्री रोड शो प्रारंभ करेंगे और देखते हैं रेकी वगैरह भी एसपीजी लोग काफी कर रहे हैं, झांकियां की है। जो यात्रा होती है वो भी निकाली जा रही है, कई सारे लोग जहाँ तक तस्वीरों में दिख रही है वहाँ पर महिलाएं भी हैं, वहाँ पर पुरुष भी हैं और खास बात ये रहती है जब बच्चे और बुजुर्गों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और वहां पर मैंने देखा भी बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं, हाथों में फूल लेकर खड़े हैं। महिला कह रही हैं कि इससे बेहतर और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि देश के पीएम यहां पर आ रहे हैं, हम उनके इंतजार के लिए खड़े हैं पिछले 2 घंटे से। मधु नजर आप रखिएगा, जैसे ही और तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, खास बात यह कि जब पीएम की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी वो तस्वीरें भी आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए इस बीच राहुल गांधी भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी का रोड शो आज होना है, रोड शो में प्रियंका गांधी भी शामिल रहने वाली हैं। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे और उसी अंदाज में जनता के बीच में बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील राहुल गांधी प्रियंका गांधी करने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, ये 10 किलोमीटर लंबा रहेगा, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे राहुल।